अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको सेफ किए हुए मटर के चावल बनाने बताऊंगी। आज बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम राइस बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी। उसके लिए हाफ के जी के करीब चावल ले लिए मैंने, और मटर जितने भी मर्ज़ी डालने आप डाल लें, हाफ रखने हैं हाफ डाल लें। ये फुल के जी हैं मटर, तो मैं इसको में से हाफ मटर डालूँगी। और पुदीने की एक गट्ठी ले ली, इसके मैंने पत्ते तोड़ लिए। एक कप मैंने घी का ले लिया है, 2 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, धनिए का और जीरे का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 2 तेज़पत्ते लिए मैंने, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 स्लाइस कटे में प्याज लिया है, मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद लिए हैं। शुरू करते हैं हम। प्याज इसके अंदर डाल दिए, ये 1 अदद मैंने बड़ा सा टमाटर लिया था उसको भी मैंने काट के डाल दिया, लहसुन वो भी डाल दिया। मिक्स करेंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार किस्म के मटरों वाले राइस तैयार हो रहे हैं। तेज पत्ता और जीरा डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा एक जायका सा आ जाता है। अदरक पाउडर डाला है इसमें, धनिया और जीरे का पाउडर और नमक, हरी मिर्चें कटी हुई मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसका एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का जायका है। आप लोग जहाँ भी हैं, खैरियत से हों, अल्लाह पाक आप लोगों को सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक मूजी बीमारियों से बचाए आप लोगों को, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें और मैं भी आप लोगों के सबके लिए, कुल आलम कुल मोमिन सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए और दूसरे भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बीमार हैं, जो लोग भी बीमार हैं, अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर करे, उन सबको शिफाए कामला अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है, इसमें मैंने मटर डाल दिए। जो सेव करने का तरीका मैंने मटरों का दिया था बिल्कुल वही मटर है, देखें इस तरह का लग रहा है जिस तरह मैंने अभी फ्रेश इसको मैंने छीला है, और आपके लिए मैं राइस बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। मटर इसमें शामिल हो गए, काली मिर्च पीसी भी शामिल कर दी। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, 2 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि मटर गल जाएँ, और फिर हम इसके अंदर राइस डालेंगे। बस इतने ही हम पानी डालेंगे, पानी पकने के लिए रख देंगे। मटर भी गल चुकी है और पानी हमारा 1.5 कप के करीब रह गया। अब हम इसके अंदर राइस डालेंगे। 10 मिनट के लिए चावलों को पकने देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। 10 मिनट हो गए राइस को, मैं इसके अंदर पुदीना डालूंगी और इसको अब दम के रखूंगी 5 मिनट, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। राइस हमारे बिल्कुल तैयार है मटर वाले, ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार किस्म के राइस तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम।